प्रसाद जी को कौन नहीं जानता। सज्जनों, मैं आप लोगों का दास हूँ। जी हाँ, सब प्रसाद मांग रही है। इसको न छूना, घर के लिए वो हमल आ रहा है। अच्छा, ये बाई जी के लिए है? बाई जी नहीं, वो अपने। क्यों झूठ बोलते हो? मैं कहती हूँ बुड्ढे होने आए और अभी तक ये बातें नहीं हुई। फिर वही पुराना दुखड़ा लेकर बैठी। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ कि अब भी मंदिर की मूर्त किए चले आ रहे हो और अभी चले एक बाजारी औरत की यहाँ। करो, क्या गजब कर रही हो? घर में मेहमान जमा है, कुछ सुन लेगा तो क्या कहेगा? मत भूलो नाथ, अगर वो दयालु है उसे सजा देनी भी आती है। जब वो ढीली रस्सी खींचेगा तब सर पकड़ कर रोगे, तुम्हारा कलेजा भी तभी ठंडा होगा। मैं रात को घर नहीं आऊंगा। देखो बहन, ये तुम्हें नजर लगा रहे थे। भगवान, हर औरत को तुम्हारे जैसा नसीब दे। हमें लंदन वहाँ जाना है, कुंवर अंदर खुदा मालूम क्या कर रहा है। बहुत आदमी खड़े, ला यार ला। अजी कोई बगला बगस होगा, बगला बगस। कहिए मेरे उस्ताद की खाला, इतनी देर कहाँ लगाई? कहीं भी नहीं, तुम्हारा हुक्म पाते ही झट से मुहूर्त खत्म किया, भागा भागा घर गया, जल्दी जल्दी कपड़े बदले और झट से अपनी सरकार की खिदमत में हाजिर हो गया। बस रहने दीजिए, हम तो कब से आपकी राह देख रहे हैं, लेकिन आप यही अदाएं तो धर्मदास का धर्म नष्ट कर देती हैं। आजावर से कहो, तबीयत अच्छी है? कहिए, कब आए बॉम्बे से तो हम लोग अभी अभी चले आ रहे हैं। तुम्हारी कसम स्नान तक नहीं किया, अभी स्टेशन से सीधे चले आए। क्या घर भूल गए आप? अरे तुम्हारा घर भूल जाऊं और मैं? गैर मुमकिन है, ये तो मेरे एक दोस्त के घर। हमने आधा वर्ष जरूर आइएगा। हाँ, जरूर आएंगे। चल बे, बस ये मुझे कहा। अबे नए डिजाइन की चीजें तो यहीं मिलती हैं, है? मगर यहाँ ऊपर कौन से डिजाइन है? बरखुरदार बटेर, तेरे सर की कसम ऐसी सजी हुई दुकान है। बल्कि गोदाम है, गोदाम। नहीं भाई साहब, मैं नहीं जाता। अबे झापक, फिर वही हरकत। अबे अच्छी चीजें तो ऊपर छिपा के रखी जाती, चला जा। नहीं भाई साहब, मैं नहीं जाता। अबे नहीं जाऊंगा क्यों है? शाबाश, आओ। नहीं नहीं, तुम मुझे कहीं और लिए जा रहे हो। वाह बेटा, अबे जीने पे कदम रखते ही समझ आ गई है। तुम सब बहुत बदतमीज हो, मैं नहीं जाता, छोड़ो मुझे। नहीं पंडित जी, अब आप नहीं जा सकते। दमदम से चला रहा। अबे चल, रुक क्यों गया? अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। आइए आइए। अरे हमारे पास एक कुंवारी लड़की है। अभी तो हमें दे दीजिए, हम उन्हें सुहागन बना देंगे। हमारे होते भी। आपकी तारीफ? ये हमारे दोस्त पंडित जी किस्म के हैं। मेरी आंखों में खास है तो खूबसूरत। अच्छा जी, ले बेटा तेरी तो बहनी हो गई, सलाम कर बे, कर बे। शाबाश बेटा टैनी मुर्गे। तो भाई जी हम जाएं चिलम में दम वम लगाइए। ठहरो, रईस लोग आए हैं, अभी गाना वाना सुनेंगे। हाँ हाँ, इन्हें भी तो सुनाना है। क्यों बे, ये डिजाइन पसंद आया? मैं जाता हूँ। अबे बैठ बे, अजीब चपड़ कंचू आदमी। हाँ जी, भोला भाला समझे रहे आते जिसे
क्या कहने है, पानों नहीं खाया आप लोगों ने जी? पान तो शोभा के हाथ से शोभा देते हैं। हाँ हाँ, बुलाओ उन्हें, इन्हें भी तो दिखाना है। देखिए बुलाती हूँ। लो बेटा, असली डिजाइन तो अब दिखाते हैं तुम्हें। हाँ, कलेजे पे हाथ रख लो गोर बाबू, दूर ही से करंट मारती है। मैंने कहा ये अकेले कमरे में क्या किया करती है? गीता पढ़ा करती है। अच्छा, तो यूँ कहिए कि वो औरत है जी। तो आप अभी तक क्या समझ रहे थे? ये यूँ ही चमकती है। मैं समझ रहा था कि वो भी आपकी तरह औरत की खाल में शैतान। अबे क्या बक रहा है, अजीब चपल कंचू। तो क्या ये औरत है? आपके सर पे बर्फ रखो। शोभा देवी जी, बस किताब रखो, ये किताब भले घर की बहु बेटियों के लिए है। अरे रोजगार का वक्त है, रईस लोग आए हैं, उठो। माँ, तुम्हारी एक दुकान तो चल रही है, फिर मुझे क्यों इस पाप में धकेलती हो? आए है तो क्या मैंने तुम्हारी सूरत देखने के लिए रखा है? जब मैं अपने पेट की जनी से रोजगार कराती हूँ तो तू क्या है? चल उठ, नखरे रहने दे। नहीं माँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं भीख मांग कर खा लूंगी, लेकिन ये मुझसे ना होगा। जबान चलाने खूब आ गई है, चल उठ। मैं औरत उसे समझता हूँ, मैं चपराने दूंगा। नहीं नहीं, कहने दीजिए, नए नए हैं। हाँ साहब, आप औरत किसे समझते हैं? जिसका लिबास शर्म हया हो, जिसका सिंगार इज्जत आबरू हो। सही फरमाया आपने। अब आप ये भी बता दीजिए, हमारा लिबास कौन नोचता है, हमारा सिंगार कौन उजाड़ता है? अबे छोड़ो भी इन बातों को, वो देखो आई महफिल की शोभा है, जवानी की शोभा। आइए आइए लीजिए, आप इसे आदमी सिखाएं, सलाम तो करें। अरे यही अंदाज तो आशिक को मिठा देते हैं। बैठो बैठो। क्यों बेटा, आया डिजाइन पसंद? है ना स्वर्ग की चिड़िया? अजी यूं ना घूरिए, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, क्यों छेड़ते हो जी उनको? वाह बेटा, अबे लगा चहकने हैं? अरे ऐसी सूरत पे से तो चांदी निछावर करो। अबे चांदी तो क्या, ऐसी सूरत पर तो दिल निछावर है दिल। बड़े बेशर्म हो जी तुम। वो मारा, अबे तेरे ऊपर तो जादू चल गया बेटा। अच्छा भाई तू ही कामयाब हो जा, हमारी तो दाल नहीं गलती। माफ कीजिएगा, पांचों कपड़े पहन लेने से आदमी शरीफ नहीं हो जाता। ले कुंवर, तू तो बदमाश बना दिया गया। जी नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ। आप मुझसे भी कह सकती हैं, इसलिए कि मैं ऐसे बदमाशों के साथ जो आया हूँ। अरे पान तो पेश कर। जी ये आपकी आंख को क्या हुआ? ये जरा फटती है, फटती है। फटती है, ये लीजिए। आपने बिल्कुल ठीक किया। क्या ठीक किया, बड़ी बदतमीज है, बस हम इसे कहेंगे।
उनको आता है प्यार पर गुस्सा और हमको गुस्से पे प्यार आता है। क्या हुआ दीदी? अच्छा मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, मुझे इस गंदी जगह से निकाल दो नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या करूं बेटी, मेरा कुछ जोर भी तो चले। क्यों रे, तू हमारा घर बदनाम करेगी? अरे जब इसको ये पेशा मंजूर नहीं तो क्यों जबरदस्ती करती हो? अजी पराई बेटी ईश्वर की अमानत है, इस कारण मना करता हूँ। और हमने जो ठुसा ठुसा के इतना बड़ा किया। मान जी तुम लच्छी बहन के फटे पुराने कपड़े और अपने आगे का बचा कुचा खाना मुझे दे दिया करो, बस मैं तुम्हारे घर की दासी बनकर रहूंगी, मगर ये पाप मुझसे न होंगे। देखेंगे कैसे नहीं होंगे, बड़ी आई अपने मनमानी करने वाली। उस्ताद जाओ आनंदी प्रसाद से कह दो हमें तुम्हारी बात मंजूर है। मैं आ सकता हूं? आइए तशरीफ रखिए। और सब कहां हैं? आज उनकी बिरादरी में खाना है। उनकी बिरादरी और आपकी? अभी तक तो भगवान की दया से उनकी बिरादरी में नहीं हूं, आगे किस्मत। एक बात पूछ सकता हूँ अगर इजाजत हो तो? जी फरमाइए। आपको ये पेशा पसंद है? बोलिए, आप तो सोचने लग गए। मैं ये सोच रही हूँ क्या जवाब दूँ। जवाब तो बहुत छोटा सा है, हाँ या नहीं। यहाँ बैठकर तो मेरी नहीं भी हाँ समझी जाती है। ये कैसे? बात यह है
की दुकान में रखी हुई चीज की लोग सिर्फ कीमती पूछते हैं, ये कोई भी नहीं पूछता कि चीज बिकाऊ भी है या नहीं। और ये कोठा भी एक दुकान ही तो है। जी, मैंने कल ही अंदाजा लगा लिया था कि आप इस घर की शोभा नहीं। लेकिन कोशिश तो यही की जा रही है कि मैं इस घर की शोभा बन जाऊं। और अगर आपको कोई अपने घर की शोभा बनाना चाहे? जी, मैंने कहा और अगर कोई आपको अपने घर की शोभा बनाना चाहे? तो दुनिया वाले इतने बड़े जुर्म में उस शख्स को घर से बेघर कर देंगे। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। माफ कीजिएगा, मैं किसी के घर को जलाकर अपने हाथ नहीं सेकना चाहती। शोभा, मैं तुम्हें पाप से बचाने के लिए अपना सब कुछ भेंट देने को तैयार हूँ। लोग मंदिर और शिवालय बनवाकर धर्म की सेवा करते हैं, मैं तुम्हारी आबरू बचाकर धर्म और इंसानियत दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। बोलो, मंजूर है? नहीं। तो क्या उस दिन की शर्म, लज्जा, रोना धोना सब बनावट थी? यही कहेंगे ना आप, लेकिन वो बनावट नहीं थी। तो फिर आपको क्या चीज रोकती है? आपकी इज्जत। मेरी इज्जत? मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ? इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है जो आप एक वेश्या को अपने घर की शोभा बनाना चाहते हैं। वेश्या तो सिर्फ मर्दों की जवानी का खिलौना है, और खिलौने को जीवन साथी नहीं बनाया जाता, उससे सिर्फ खेला ही जाता है। जो ऐसा करते हैं वो इंसान नहीं, शैतान है। शोभा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। बोलो हाँ। नहीं, मैं आपकी जिंदगी का साथी बनकर आपको तबाह और बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं शोभा, ऐसा न कहो। अगर मैं हाँ कह भी दूं तो ये घर वाले अब तो सिलसिले भी नहीं चली जाएगी। मैं फिर आऊंगा। ये माना हमने के हुस्न खुदा देता है, पर ये अंदाज तुम्हें कौन सिखा देता है? शिकम मादर से कोई सीख के आता ही नहीं, चाहने वाला ही कम वक्त सिखा देता है। इन्हीं लोगों ने ले लेना जो बच्चा मेरा, मुरी न मानो, मुरी न मानो अरे हाँ, मुरी न मानो अरे हाँ, मुरी न मानो बजजवा से पूछो, जिसने अलहाई गज हाय, जिसने अलहाई गज दीना दुपट्टा मेरा, मरी न मानो सैया से पूछो, मोदी न मानो अरे हाँ, मोदी न मानो अरे हाँ, मोदी न मानो सैया से पूछो, जिसने उड़ा के क्या, जिसने उड़ा के मजा लेना दुपट्टा मेरा। Thank you.
दरवाजा बंद क्यों किया? कुछ और तो बताता हूँ। क्या बताता है? वो पंडित है पंडित। कौन पंडित? अरे वो कुंवर। हाँ तो क्या हुआ? ठिकाने लग गया। अभी क्या मर गया? मरा वरा नहीं। हाँ वो तुम्हारी लच्छी के वहाँ गया है। लच्छू इसके सर पे बर्फ रख। अरे बर्फ नहीं यार, सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको जाते हुए। सच कहता है? हाँ। लच्छू मेरा कोट तो ला। देखना बेटा अगर मुझसे चालबाजी की तो याद रखना। अरे घूरू तो तार पे जाओ। अरे हाँ यार खोल दे। अबे हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ है? डोरे झापस। मत क्या हुआ है भाई साहब, बिना वजह का पे जा रहा है? मैं चपड़ कंचू अपनी भाभी पे डोरे डालने शुरू कर दी। ए मिस्टर जवान सवाल से बात करना। हाँ मेरी भाभी मेरी माँ। भैया बढ़िया काम तो जब हो कि जब तुम मेरी मदद करो। फरमाओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ये तो तुम जानते हो कि शोभा वेशिया की लड़की नहीं। जानता हूँ और कहो। इसीलिए वो अपनी आबरू बेचना नहीं चाहती। मगर बेटा चपड़ कंचू वो तो बिक के रहेगी है? मेरे जीते जी उसकी आबरू नहीं बिक सकती। अच्छा जी ये जोर नहीं। आज मालूम हुआ बेटा कि तुम जवान हो गए। अम्मा भाई साहब हंसी तो उड़ाइए मत, मैंने उससे ब्याह करने का फैसला कर लिया। अबे चपड़ कंचू क्यों शामत आई है तेरी? भैया इतने जूते मारेगा बेटा कि तेरी चंदिया गंजी हो जाएगी। पागल हो गए हो हरि बाबू, घर में आई हुई लक्ष्मी निकाल दे। देखो मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की तुम्हारा पेशा नहीं करना चाहती। शादी कर दो, लड़का भी अच्छा है। तो दे दो 2-4 लाख रुपया, सीने पर पत्थर रख कर शादी कर देंगे। 2-4 लाख रुपए तो नहीं, मगर हाँ 2-4 हजार रुपए दे सकता हूँ। अरे बाबू हवा खाओ, सेठ नंदी प्रसाद को फसाया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो उसके बाप के बराबर है। कुछ भी हो मगर हमने तो जबान दे दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुन लो, नहीं तो पछताओगी। क्या कहते हो हरि बाबू, हमने भी जमाना देखा है। लेकिन मुझे नहीं देखा है, समझी? कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाने चले हैं। माँ मुझे जहर दे दो, मेरा गला घूट दो, मगर मुझे न बेचो। चुप रह कमबख्त, 10,000 रुपए कम होते हैं, फिर सेठ नंदी प्रसाद जैसा आदमी। अरे क्या करते रहे हो? अरे कोई बताना। अरे अरे बाबा क्या करते हो? अरे कोई बताना बाबा। अरे कोई बताना। अरे 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 पैसे वाला बना, मैं अभी बताता हूँ। अरे बाबू अबे अंदर कहाँ घुस गया है? अरे 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 मैं हाथ जोड़ता हूँ। अरे बाबू अब हाथ जोड़ता है? अरे बाबू समाज के बगला बगला ये पुन कर रहा है। अरे शोभा तेरी लड़की के माफक है और तू उससे मोहब्बत करता है? अरे हरि बाबू अरे क्या कर रहे हो? अरे बाबू हाथ जोड़ता है? अरे हरि बाबू हैं? अरे कोई बुढ़े का ख्याल करो। हरि बाबू अरे हरि बाबू ये क्या कर रहे हो? अरे सब जाओ सब जाओ। ए कहां जा रहा? दूध पिए जा। खबरदार हरी आगे कदम न बढ़ाना, नहीं तो मैं इसी से अपना सर तोड़ लूंगी। अरे पगली ये पागलपन छोड़ दे, मैं कुंवर की तरफ से आया हूँ और मैंने शराब का ढोंग इसलिए रचाया कि मैं तेरी आबरू बचाऊं, समझी? चल तू मेरे साथ है। छोड़ो मुझे हाथ न लगाओ। अरे बोल नहीं तो सब मामला चौपट कर देगी। चल तू चल मेरे साथ। नहीं मुझे तुम पे एतबार नहीं। अरे भगवान की कसम मैं तुझे अपनी बहन समझता हूँ, अब तो एतबार हुआ? हाँ बहन बहन बहन। अब मैं क्या करूँ? तू ऐसा कर पिछले दरवाजे की सीढ़ी से उतार के मेरा इंतजार कर, और सुन ये सब गंदी चीजें मुझे दे दे, और ये नथनी भी दे दे। अरे जल्दी उतार कहीं वो लोग आना जाए। छोटी तो मैं सबको देख लूंगा कौन है? अरे हरि बाबू ये क्या हो गया? हरि बाबू क्या ये रही तेरी